हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप मंडल और आप लोग देखे मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग एसएम एंड फिशिंग। दोस्तों मेरा जो फिश पॉन्ड मैंने तैयार किया था तो मैंने सोचा था कि इसमें गप्पी फ्राइज या फिर तो मॉलीज रखूंगा और आप लोगों से मैंने पूछा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स किए हैं। पर फाइनली जो है मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि दोस्तों इधर मेरे दो मॉलीज के पेयर है, देखिए एक प्रेगनेंट है यहाँ पे, एक मेल है, और इधर भी दूसरी प्रेगनेंट है, एक मेल है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे बच्चे भी है जो काफी छोटे हैं। तो फाइनली मुझे समझ में आ गया, मैं एक ही डिसीजन पे आया। मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि मुझे मॉलीज रखने हैं क्योंकि मॉलीज मेरे सारे प्रेगनेंट है, और मुझे यही लग रहा था कि गप्पी फ्राइज रखूँ कि नहीं क्योंकि वो भी छोटे हैं, तो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना एक डिसीजन लिया है और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या डिसीजन लिया। तो चलिए आइए अभी देख लेते हैं कि मैंने क्या डाला हुआ है। वैसे तो आपको थंबनेल एंड टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं क्या डाल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट डे वाला सेटअप था, तो आप देख सकते हो कि फूल भी खिला हुआ है, ये फर्स्ट डे वाला है। तो उसी का मैंने एक शॉट लेकर यहाँ पे दिखाया कि इसको मैंने तैयार किया था, और इसमें अब मैं डालने वाला हूँ बाकी प्लांट्स। तो आप सभी को पता है कि मैं प्लांट्स कलेक्ट करने के लिए रिवर गया था, और रिवर कहाँ पे था, विलेज में। तो ये जगह काफ़ी बढ़िया थी, उसका मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख भी सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत अच्छा लगा। एकदम गाँव को एक्सप्लोर किया, काफ़ी बढ़िया लगा और काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लांट्स कलेक्ट किए। तो प्लांट्स को लाकर ही मैंने बकेट में से सोक कर दिया और ओवरनाइट इसको इसी तरीके से रख दिया। तो ये बेसिकली दो दिन के बाद का नज़ारा देखिए, ये प्लांट्स एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो चुके हैं। और ये प्लांट्स को देखिए, वाओ इतने प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली इसका जो है मुझे ग्रोथ करवाना है, यहाँ पे काफ़ी सारा मुझे चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे लिमिटेड मिला है। और ये हमारे प्लांट्स जो मैं रिवर से कलेक्ट करके लाया था, अभी मैं इनको छांट रहा हूँ, अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे और इसमें से जो है यहाँ पर कुछ डालेंगे। और बहुत सारे हमारे पास है देखिए यहाँ पर, इन सबको बाकी जो हमारे पॉन्ड एंड टैंक्स है उसमें डाल देंगे। तो ये सारा मैंने वॉश कर लिया है एकदम प्रॉपरली, और इनको मैंने वैसे भी सॉल्यूशन पे डाला हुआ था, तो एंटी एज सॉल्यूशन पे डालने की वजह से इनको डिसइंफेक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इनको यहाँ पे लगा देते हैं, आई थिंक दो तीन ऐसे लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ऑलरेडी स्पॉन मतलब सुपर हाइडिंग प्लेसेस, और प्लस बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो हम मॉलीज को डालने के बाद वो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगी, क्योंकि प्लांट्स भी काफ़ी है, हाइडिंग प्लेसेस भी काफ़ी है, एक नेचुरल सा हैबिटेट बन गया है। अब इस प्लांट को डालेंगे, मैं सोचा इसको ना डालते हुए मेरे पास दूसरे हैं छोटे वाले, उनको डाल देते हैं। हाँ ये वाले, इनको डाल देते हैं, दो है हमारे पास और भी है, उनको बाकी पॉन्ड्स में डालेंगे। तो इनको साइड से लगा देता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत अच्छी प्लांट है ये भी। तो इनको मैंने यहाँ साइड में फिक्स कर दिया, आई थिंक अब और कुछ नहीं डालेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और एकदम लग रहा है पूरा एक नेचुरल सा पॉन्ड हो चुका है, और आई थिंक यहाँ पे मॉलीज को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जो घूम पाएंगे वो। तो मेरे पास फिलहाल चार बहुत ही हेल्थी और बड़े मॉलीज हैं, बाकी मेरे पास बलून मॉलीज वगैरह है वो टैंक में सेपरेटली ऑलरेडी अलग जगह पे है। तो मैं इस पॉन्ड में इन चार के अलावा और मैं कुछ नहीं डालने वाला, क्योंकि इन चारों को ही रखेंगे, इसमें से दो तो प्रेगनेंट है तो अच्छे बच्चे ग्रो करें, उसके बाद हम लोग जो है बाद में देखेंगे कि और डालें कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्राउड मुझे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप भी ऐसा कुछ ब्रीडिंग प्रोसेस करना चाहते हो तो दोस्तों ध्यान रखें कि ज़्यादा मॉलीज मत डाल दे, ज़्यादा फीमेल्स ना डाल दे, ज़्यादा मेल्स ना डाल दे, अच्छे प्रपोर्शन पर डालें। यहाँ पर इन दोनों का जो है बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन चल रहा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर दो मेल्स एंड दो फीमेल्स डाल रहा हूँ और कुछ भी नहीं डालूंगा यहाँ पे, और इसको ऑब्जर्व करूंगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा ये ब्रीडिंग प्रोसेस कितना सक्सेसफुल होता है। अब छोड़ दूंगा इनको दो घंटे के लिए। तो हो चुके हैं दो घंटे और हमारे मॉलीज अभी आराम से एक्वेंटेड हो चुके हैं, बहुत सेट हो चुके हैं, तो इनको अभी स्लोली डाल देंगे। तो आप देख सकते हो इनका साइज, तो ये एक मॉली मुझे पड़ा है 25 रुपये, उससे मैं शायद 20 रुपये में जाते याद नहीं है, तो इसमें चार है, आई थिंक मैं 90-80 में कुछ लेकर आया, तो ये थोड़े सस्ते पड़ गए, लेकिन साइज़ भी काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैं आपको ना ये ऑरेंज वाला दिखा दूँ उठाकर, तो ये काफ़ी प्रेग्नेंट है, इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम रखेंगे तो ये और अच्छी हेल्थी हो जाएगी, खाना अच्छा देंगे, तो यस इसमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमें मिल जाएंगे। और दूसरी ब्लैक वाली जस्ट अभी अभी जो है मुझे लगता है वो प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इन लोगों को ये मेटिंग करते हुए, तो या इसको भी छोड़ते स्लोली। और यहाँ पर हमारे पास दो मेल्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं, और इनको भी यहाँ पर अभी स्लोली डाल देंगे और फिर थोड़ा टाइम के लिए इनको यहाँ पे छोड़ देंगे आराम से। वाटर पम्प डाल देते हैं और एक घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे, थोड़ा सा और यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आकर देखते हैं हमारे मॉलीज को और हमारे इस फिश पॉन्ड को। तो मुझसे ज़्यादा रुका नहीं गया, मैं खाना खाया दौड़ते आया फिर से, और मैं ढक के गया था कहीं जंप ना कर दे सोचकर, जंप तो करेंगे नहीं यहाँ से, बट स्टिल फिर मैंने देखा कि मुझे एक भी मॉली दिख नहीं रही थी,
क्योंकि सब अंदर घुस गए थे और आई बिलीव कि वो इतना ज़्यादा उनको हाइडिंग प्लेसेस मिल गए, वो खुश हो गए, इतने दिनों तक बाल्टी में थे। और इस बार ये सेटअप ऐसा बना कि मैं इसको ज़्यादा हिला भी नहीं सकता और इधर छेड़खानी भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात थी एक तरफ से, क्योंकि इस सेटअप में चीज़ों को इस तरीके से रखा हुआ कि एक दूसरे के साथ टिकाया हुआ है, तो फिर एक हिलाने जाएंगे तो फिर शायद दूसरा खुल जाए या जो भी है। तो उस हिसाब से इनको बनाया गया है ताकि हाइडिंग प्लेसेस ज़्यादा रहे यहाँ पे और अलग दिखे बहुत, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हो ना विड्थ, वो विड्थ बहुत ज़्यादा है, डेप्थ थोड़ा कम है। तो उस हिसाब से जो है दिमाग में रखते हुए इस सेटअप को क्रिएट किया गया है। तो फिर दोस्तों प्लांट्स तो काफ़ी हो चुके हैं और हाइडिंग प्लेसेस भी काफ़ी आप देख रहे हो, और मछलियाँ इसलिए मुझे दिख भी नहीं रही है, बट दैट्स फाइन। तो यहाँ पे अगर हम लोग गप्पी फ्राइज भी रखते हैं ना तो मैं प्रिटी श्योर था कि बहुत जल्दी ग्रो कर पाते यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ये देखी, एक तो मुझे दिख गई, ये यहाँ पे आके रुक गई है, और ये हमारी दूसरी वाली मॉली है जो प्रेग्नेंट है। तो एक तो मुझे दिख गई और बाकी हमारे ब्लैक, वैसे भी ब्लैक है तो दिख नहीं रहे वो, तो ये देखिए एकदम मस्त बैठी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग भी क्या सोचो, आराम से जाइए और इस तरीके का एक सेटअप बनाइए अगर आपके पास मॉलीज है। खूब सारा प्लांट्स कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए रिवर से या फिर तो आपके आसपास से, क्योंकि जितना प्लांट्स रखोगे और जितना आप हाइडिंग प्लेसेस रखोगे आई बिलीव आपको हीटर वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि पानी ज़्यादा चेंज ना करें और मछलियों को लाते ही जो है पानी में ना छोड़ दें, उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने दें, नहीं तो फिर आपकी मछलियाँ मरने लगेंगे, फिर आप बोलोगे कि कैसे मछलियाँ मर रही है। एंड साथ ही में दोस्तों ये मेरा है बलून मॉली का टैंक, तो इसमें बलून मॉलीज प्लस हमारे दूसरे फिश भी हैं यहाँ पे, बच्चे भी हैं फ्राइज। और देखिए इनका ग्रोथ देखिए दोस्तों इन प्लांट्स का, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मैंने इनको कहाँ से कलेक्ट किया है, और अब ये ज़बरदस्त प्लांटेड सेटअप बन चुका है। साथ ही में देख लीजिए गोल्ड फिश का सेटअप, और यहाँ पे गोल्ड फिश को देखिए, इनको लगता है कि मैं आते ही खाना देना, मतलब देना चाहिए इनको, और आप देख रहे हो कि कितने फ्रेंडली है ये। मेरे सारे फिश बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं क्योंकि रोज़ क्लोजअप से देखता हूँ, खाना देता हूँ, तो उस तरीके के बन चुके हैं। और ये है ब्रीडिंग सेटअप 1, ब्रीडिंग सेटअप 2 गप्पीज़ का, तो ये भी बिल्कुल फुल्ली प्लांटेड सेटअप्स है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैंने फाइनली जो अपने मॉलीज को छोड़ दिया है और अभी जो है ये ब्रीडिंग सेटअप मॉलीज का बन चुका है। तो दोस्तों कोई भी कमेंट होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।